अभी हम लोग घूमने के लिए आए हैं, माता जी का मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं, और सब लोगों को पूछते हैं कि माता जी का मंदिर कैसा लग रहा है। हेलो सर, माता जी का मंदिर कैसा लग रहा है? जय माता दी। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। और कितना ये 1352 कैसे चढ़े, लिफ्ट में आए कि चढ़ के आए? पैदल आए। ओ क्या बात है, हमारे तरफ से आपको ये दिया जा रहा है, पकड़ो। जय भारत माता के जय। जय भारत माता के जय। नमस्कार, मैं दिलेश्वर स्वागत करता हूं मेरा YouTube चैनल में। और चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये जीवदानी टेंपल, और माता जी का दर्शन भी कराएंगे आपको, जाके घूम के दिखाएंगे। तो तब तक हमारे चैनल में नया है तो थोड़ा हमारा चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमको बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि हम हौसला बढ़ता है तो हम और भी नया नया ब्लॉग्स बनाएंगे आपके लिए, और नया नया मंदिर और नया नया जगह दिखाएंगे। अभी तक हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साइड में दिखाई देने वाला रेड बटन को थोड़ा दबा दीजिए। और चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, माता जी का दर्शन कराने वाले हैं। अभी ये पहाड़ का ऊपर है माता जी का मंदिर, तो थोड़ा हम नारियल लेके जाना पड़ेगा, और उधर जूता चप्पल नहीं लेके जाना है तो हमको एक दुकान में रखना पड़ेगा। और चलिए, आज बहुत भीड़ है, आज जैसे कि 15 अगस्त है, आज स्वतंत्रता दिवस है, और हम लोग घूमने के लिए आए हैं माता जी का मंदिर। चलिए, ये माता जी का मंदिर है और देख सकते हैं इधर बहुत सारे बाजार है लगा हुआ है, जैसे कि आपका नारियल हो गया और माता जी का चुनरी हो गया, सिंदूर हो गया, बहुत सारे चीज़ों इधर से ही लेके हमको जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग खरीद चुके हैं, जैसे कि नारियल और कुछ पूजा का सामान हम खरीद चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं माता जी का मंदिर। अभी तो हमको दिख गया है माता जी का जो सिंह द्वार है वो दिख गया है। अभी द्वार से होके जाएंगे हम और ऊपर पहाड़ तक जाएंगे। उस पहाड़ तक पूरा सफ़र का रास्ता है 1352 पहाड़, जैसे कि बहुत ही ऊंचाई पे माता जी का मंदिर है। और इधर हमारा दोस्त लोग जो है थोड़ा सा फ़ोटो खींच रहे हैं, और हमको थोड़ा फ़ोटो और मज़ा मस्ती करके ही जाना है तो जाएंगे। और चलो, कितना भीड़ है हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही भीड़ है और इतना बड़ा बड़ा लंबा लाइन लगता है। एक साइड में जाने वाला लाइन है और एक साइड में आने वाला लाइन है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं तो एक लाइन में बहुत ही भीड़ हो जाता है। हम अभी थोड़ा बहुत चढ़ चुके हैं, जैसे कि 160-170 अब चढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आगे आगे हम कितने दूर तक चल पा रहे हैं और कितने दूर तक सबका सफ़र कैसा रहता है हम आपको दिखाएंगे। रास्ते रास्ते में आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा, जैसे कि थोड़ी देर आप चढ़ने से आपको कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता है, और पूजा का जो दुकान है ना उधर से दिखाई दे। 270 हम चढ़ चुके हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे चढ़ के। तो चलिए देखते हैं और आगे का सफ़र कैसा रहा है। 270 में ही बहुत ही तकलीफ़ हो गया है हमको, इधर थोड़ा 2 मिनट के लिए रेस्ट लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है इधर, फिर से हम चढ़ेंगे। तो देखिए, अभी 270 है तो 1352 चढ़ना है दोस्तों हमको, और बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, जैसे कि क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानसिक है तो वो लोग कर्पूर लगा के जा रहे हैं, कोई सिंदूर लगा के जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं, देखिए बहुत ही लोगों का भीड़ है और सब लोग चढ़ के ही जा रहे हैं। बारिश का मौसम है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है तो मज़ा भी आ रहा है। और जैसे कि हमको बताया था रोड का साइड में टोटल पहाड़ में ही पूजा का दुकान है, और जहाँ चाहे आप नारियल और भगवान के लिए प्रसाद ले सकते हैं, और प्रसाद माता जी का चूड़ी है, माता जी का चुनरी है, और सब कुछ सिंदूर वगैरह है, आप जहाँ से भी ले सकते हैं। और अभी तो हम थोड़ा बहुत दूर आ चुके हैं अभी, और लगभग 400 पहाड़ चढ़ चुके हैं। तो चलो दिखाते हैं अभी आपको और कितना बाकी है, कितना दूर बाकी है आपको दिखाते हैं। 1352 तो बहुत दूर है और बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है, और तकलीफ़ जितना भी तकलीफ़ होगा हम आपको दिखाएंगे और माता जी का दर्शन कराएंगे। चलिए, जब माता जी का नाम लेके हम चढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग चढ़ रहे हैं, हम भी चढ़ेंगे और बहुत ही मज़ा आ रहा है। कभी आप मुंबई आए तो ये मुंबई का विरार में है,
और बिरार से जस्ट नज़दीक ही पड़ता है और बिरार से आप देख सकते हैं। ज़रूर आना माता जीवदानी का मंदिर। इधर लीप भी लगा हुआ है, साइड में लीप है, मैं आपको वीडियो का लास्ट में दिखाऊंगा। और लीप में इसीलिए नहीं गया कि लीप में जाएंगे तो इतना लोगों को कैसे देख पाएंगे, हम लोग को मज़ा ही नहीं आएगा। बहुत दूर से उड़ीसा से आए हैं हम लोग और उड़ीसा से देखने के लिए आए हैं, तो देख के ही जाएंगे, माता जी का दर्शन करके जाएंगे, ये हमारा सपना था। तो अभी हम लोग मंदिर को एंट्री कर चुके हैं और मंदिर में ऐसे लाइन को थोड़ा मतलब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो जाए तो थोड़ा जैसे घूम घूम के जाना पड़ता है। तो आज बहुत भीड़ है, 15 अगस्त है और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है, आज बहुत भीड़ है, आप लोग देख पा रहे हैं कितना लोग हैं। और इसीलिए आर्मी फोर्स सब जगह ही आर्मी फोर्स है। ये माता जी का मंदिर हम लोग आ चुके हैं, देखो दोनों तरफ से दर्शन करना होता है। और माता जी का मंदिर हम आपको अभी दर्शन कराएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं और आप लोगों को दर्शन कराएंगे, आप लोग अभी दर्शन कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमतस्वे नमो नमः। अभी फाइनली हम लोग दर्शन कर चुके हैं और माता जी का मंदिर बहुत भीड़ है, तो हम दोनों गुम हो गए थे, मेरा दोस्तर में और बाकी 4-5 आदमी बाद गुम दूसरा साइड चला गए थे। तो अभी ये माता जी का मंदिर का जो ऊपर है 1352 का ऊपर जो है मंदिर, और उसका ऊपर ये थोड़ा रेस्ट के लेने के लिए सब लोगों के लिए है। और आप देख सकते हैं इधर माता जी के मंदिर के दर्शन के बाद सब लोग आते हैं और ये एग्जिट करने के लिए ये जो थोड़ा रेस्ट लेके एग्जिट करेंगे वही रास्ता है। और चलिए और क्या क्या है दर्शन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। और आज बहुत सारे तिरंगा पताका देखने के लिए आपको मिल रहा होगा क्योंकि आज 15 अगस्त है और सब लोगों का हॉलीडे है, तो बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं। 15 अगस्त ऐसे नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रोज़ रोज़ घूमने के लिए माता जी को मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं इधर। और लेकिन आज स्पेशल है, बहुत लोग आए हैं आज। और कैसे दिख रहा है देखिए, पहाड़ का ऊपर से मंदिर, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। इधर चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर है और ये छोटे छोटे मंदिर को दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे कि माता जी का मंदिर बड़ा मंदिर है और उस साइड में जो कि छोटे छोटे मंदिर है, और आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है आज। और ऐसे देखिए भाई, ऐसे दिखता है मुंबई का नज़ारा, ये पहाड़ के ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं, इधर से सेल्फी ले रहे हैं, तो हमारा सेल्फी लेने का कोई इरादा नहीं है आज। तुम्हें और टोटल क्या क्या है आपको घूम के ही टोटल दिखाऊंगा और मुंबई का टोटल नज़ारा आपको दिखाऊंगा। चलिए इसे देखते हैं फ्रेंड्स, और सब लोगों को थोड़ा पूछ लेंगे आज, थोड़ा कैसे लग रहा है माता जी का मंदिर थोड़ा पूछ लेंगे। तो चलिए और क्या क्या है दिखाते हैं आपको। हाँ दोस्तों, घूमने फिरने के साथ हमारा भक्ति भाव भी जागरूक होता है, इसीलिए देवदानी मंदिर, जीवदानी का टेंपल है ना, बहुत ही फेमस है मुंबई में। ये हरा भरा जो पहाड़ है और इधर से मुंबई का नज़ारा जो दिखाई देता है, और माता जी का जो हमारा प्रेम है, हमारा विश्वास है, हमारा भक्ति है, वही हमको खींच के ले आता है माता जी का मंदिर। और हम लोग बहुत ही प्यार से माता जी का मंदिर चला आते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और लोकेशन इतना ही ज़बरदस्त है ना, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए, और अभी हम लोग घूमने के लिए आए हैं, माता जी का मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं, और सब लोगों को पूछते हैं कि माता जी का मंदिर कैसा लग रहा है। हेलो सर, माता जी का मंदिर कैसा लग रहा है? जय माता दी। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। और कितना ये 1352 कैसे चढ़े, लिफ्ट में आए कि चढ़ के आए? पैदल आए। ओ क्या बात है, हमारे तरफ से आपको ये दिया जा रहा है, पकड़ो। जय भारत माता के जय। जय भारत माता के जय। चलो हम लोग दिखाते हैं, अभी सब लोग को पूछ के देखते हैं कि माता जी का मंदिर कैसा लगा। हम लोग आए हैं तो देखते हैं सर कैसा लगा माता जी का मंदिर, थोड़ा बताइए। माता जी के मंदिर का साइड में जो है ये एक छोटा सा मंदिर है और इधर भी बहुत लोग दर्शन कर रहे हैं,
आप इतना भीड़ है ना यार, आज आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतना भी लोग भीड़ होते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना भीड़ होंगे, तो बहुत ही भीड़ है। अभी दिख रहे हैं माता लोग जो इधर है साइड में, एक क्या पूजा कर रहे हैं, चलो देखते हैं। एक संड जो सन क्या कहते हैं, संड बाबा जो बोलते हैं, अबुल संड बाबा जो बोलते हैं हमारा महादेव का, उसे पूजा कर रहे हैं। अभी हम लोग एग्जिट करने वाले हैं और ये देख रहे हैं ये जीवदानी मंदिर का जो ऊपर का नज़ारा है, और तिरंगा ले रहा है आज, और चारों ओर तिरंगा लहरा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अभी उतरने वाले हैं। और ये देखिए बारिश का मौसम है, बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो मुंबई का जो नदी है इधर से दिखाई दे रहा है, और सब लोग हमको देख रहे हैं कि वीडियो क्या कैसे क्या बना रहा है, वीडियो बना रहा है, ऐसे सब लोग देख रहे हैं। तो चलिए बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग वीडियो बनाए तो वो कुछ भी नहीं है, हम ऐसे कुछ नहीं है, ये हमारा पैशन है और हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम बनाते हैं। और आपको भी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए कि हम लोगों के भी थोड़ा हौसला बढ़े और भी हम ऐसा वीडियो नया नया वीडियो आपके लिए बना के लेके आएँ। और ये हमारा पैशन है, बहुत ही अच्छा लगता है, किसी जगह जाओ और किसी नया नया जगह घूमो, वीडियो बना के और दोस्तों के साथ शेयर करो, तो सब लोगों का एक्सपीरियंस जैसे कि देखने को मिलता है, कोई कुछ कमेंट करता है, कोई अच्छा, बहुत लोग तो अच्छा ही कमेंट करते हैं मेरा चैनल में, जितना भी बहुत लोग आए हैं अभी तक तो बहुत ही अच्छा अच्छा ही कमेंट करते हैं, सब लोगों का मैं आभारी हूँ। अभी मेरा चैनल थोड़ा ग्रो भी हो गया है, अभी बहुत ग्रो हो गया है, तब आप लोगों का सपोर्ट और प्यार के वजह से। देखिए कितना अभी देखिए कितना बारिश बरसों से लोग है यार। अभी हम निकलने वाले हैं और निकल के आपको दिखाएंगे नीचे का नज़ारा कैसा है, दिख रहा है, तो थोड़ा देख के ही चलना पड़ता है क्योंकि बारिश हुआ है तो पैर खिसक जाने का बहुत ही डर है, और वीडियो बनाते बनाते पैर खिसक जाने का बहुत ही चांसेस है, तो थोड़ा सा देख के वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे आगे क्या क्या दिखाई दे रहा है मैं आपको सब दिखाऊंगा, और जहाँ पे थोड़ा थकान महसूस होता है तो उधर थोड़ा रुक जाता हूँ। अभी देखिए हम लोग 500 से 605 नीचे आ चुके हैं, और बहुत ही पैर तो बहुत ही दर्द हो रहा है यार। और देखिए नज़दीक नज़दीक में ही खाने वाला चीज़ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, और आप लोग 1352 पहाड़ आपको चढ़ना पड़ेगा और उतरना पड़ेगा, जैसे कि माता जी का दर्शन करके आप नीचे उतर सकते हैं। अभी हमको और नीचे उतरना है दोस्तों, 705, तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमको 705 और उतरना है, तो हम धीरे धीरे उतर रहे हैं, और भीड़ ज़्यादा ही भीड़ है तो धीरे धीरे उतरना पड़ रहा है, और बारिश की वजह से धीरे धीरे उतरना पड़ रहा है, सब लोग गिर जाने का बहुत ही ये है चांसेस है, लेकिन माता जी की कृपा से कोई आज तक कोई गिरा नहीं, और किसी का दुर्भाग्य बस तक कोई घटना नहीं घटा है, तो माता जी बहुत ही मतलब प्रभावित, और माता जी बहुत ही शक्तिशाली हैं, इतना लोग आते हैं दोस्तों, अब अनबिलीवेबल लोग आते हैं, और अब देख के हैरान हो जाएंगे, छोटा छोटा बच्ची छोटा छोटा बच्चा 1352 पहाड़ चढ़ लेते हैं, अब तो यकीन नहीं करेंगे, जब देखेंगे तो यकीन करेंगे। और कुछ कुछ लोग जैसे कि अपना पैर नहीं लगाते, अपने आँटों में ही नी में अपने चल के ऊपर 1352 तक चल के जाते हैं और माता जी का दर्शन करके आते हैं। जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। बहुत ही अच्छा लगा माता जी का मंदिर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लिप कैसा लगा है, इधर से देखिए साइड में जो लिप लगा है, आप टिकट करना पड़ेगा और सीधा आप लिप से भी माता जी का मंदिर दर्शन कर पाएंगे, इधर से होके जाना पड़ेगा आपको, ये शॉर्टकट है, लेकिन हमको बहुत ही मज़ा आया 1352 पहाड़ चढ़ के। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक करना, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम।